प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाकर 3 मई तक कर दिया है ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को किसी भी तरह से रोका जा सके, लेकिन शायद मध्य प्रदेश के शहर खंडवा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि खंडवा में आज कोरोना के 10 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन सभी लोगों के सैंपल सोमवार को भेजे गए थे जिसमें 25 में से 10 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और अब खंडवा में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 15 हो चुकी है। इधर जिला प्रशासन ने इन सभी पॉजिटिव मरीजों को जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया है, लेकिन प्रशासन के लिए ये खबर अब एक चुनौती बन गई है क्योंकि ये सभी 10 नए कोरोना के मरीज कई लोगों के संपर्क में आ चुके हैं। इसीलिए अब जिला प्रशासन इन इलाकों के पिछले 20 दिन के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि इन सबके संपर्क में आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जाए और फिर उनके सैंपल भी टेस्ट के लिए भेजे जा सके। 25 रिपोर्ट जो आई है उसमें से 10 पॉजिटिव पाए गए, उसमें सब खड़गपुरा के 9 लोग हैं, एक हरिगंज करके क्षेत्र है, वहाँ जैन करके हैं, वो है, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कैसे कहाँ के थे, किसके संपर्क में, हिस्ट्री क्या है? इनके हिस्ट्री जो पहले जो पॉजिटिव आए थे मस्जिद में रहते थे, उनके हिस्ट्री को, उनके जो कॉन्टेक्ट वाले लोगों को ट्रेस किया गया 29 लोगों को, उसमें से जो है ये 9 पॉजिटिव आए हैं। कैसे पता चला कि ये इनके संपर्क में थे, कैसे पता? हम लोग ये पुलिस के कैमरे के जो है आने जाने का जो कैमरा के जो फोटोज लिए थे उससे ये डिटेक्ट हुआ था। कि हालांकि प्रशासन अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है लेकिन लोगों को भी सावधानी बरतने की उतनी ही जरूरत है ताकि इस खतरनाक संक्रमण से बचा जा सके। खंडवा से न्यूज के लिए अजीत लाड की रिपोर्ट।